बात कर लेते हैं दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर गरमाई सियासत की भी, क्योंकि इस घोटाले को लेकर देश में 30 से ज्यादा जगह इस समय ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कई शहरों में यह छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम 30 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी कर रही है। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर यह छापेमारी बताई जा रही है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक देश के कई राज्यों के अंदर, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत कई के राज्यों के कई शहरों के अंदर, जिसके अंदर दिल्ली के अलावा बेंगलुरु भी शामिल है, वहां पर यह छापेमारी चल रही है। गुरुग्राम में छापेमारी चल रही है, हैदराबाद के अंदर छापेमारी हो रही है। तो आपको बता दें कि ये जो छापेमारी चल रही है दिल्ली में शराब नीति के केसेस को लेकर ईडी की छापेमारी है। 30 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है ईडी के ये छापे पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन जुड़ गए हैं। वरुण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कहां कहां ये छापेमारी चल रही है? देखिए बिल्कुल, ईडी लगभग 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी करी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जो ये छापेमारी है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये सभी स्टेट्स हैं जहां पर ईडी की जो टीमें हैं छापेमारी कर रही है। 30 से ज्यादा लोकेशन है जहां पर ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है। दिल्ली की जो ये आबकारी पॉलिसी थी इसी को लेकर छापेमारी चल रही है। पीएमएलए के तहत जो ईडी है उसने इसमें मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि जो अभी मनीष सिसोदिया है उनके आवास पर किसी तरह की जो छापेमारी है वो नहीं चल रही है। आपको बता दूं, जब सीबीआई ने मामला दर्ज किया था अपने, तो एफआईआर के अंदर साफ लिखा था कि किस तरीके से जो मनी ट्रेल है, जो 1 करोड़ रुपए है, वो किस किस के बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हुए, करीब 3 से 4 करोड़ रुपए किसके जरिए जो सरकारी अधिकारी है उन तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट और जो एफआईआर ईडी को मिली थी उसमें इस तरह के एविडेंस थे जिसमें जो मनी ट्रेल की जो ब्लैक मनी थी तो उसका इसके अंदर पता चला था। और उसके बाद जब ईडी ने अपनी औपचारिकताएं पूरी कर ली, उनको एविडेंसेस इस तरह के मिले कि जो ये आबकारी नीति है उसके अंदर जो ब्लैक मनी है उसका इस्तेमाल हुआ, उसके बाद अब ये पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए, मामला दर्ज करते हुए ईडी आज अपनी छापेमारी कर रही है। जी वरुण, जिस तरीके से कल स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी की तरफ से सामने रखा गया था, उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, तो क्या यह माना जाए कि इस छापेमारी के बाद सिलसिला आगे बढ़ सकता है और कई गिरफ्तारियों तक पहुंच सकता है? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे ईडी ने इसके अंदर एक लंबा समय लिया है अपनी इन्वेस्टिगेशन को, अपनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए। जो सीबीआई ने जो दस्तावेज दिए थे, जो एफआईआर दी, उसके अंदर कहीं ना कहीं इस तरह के जो एविडेंसेस थे, जो मनी ट्रेल थी वो उसके अंदर मेंशन थी, किस तरीके से काला धन जो सरकारी अधिकारी है उन तक पहुंचा था उस ट्रेल का भी मेंशन था। तो एक लंबा समय ईडी ने लगाया है इसमें पड़ताल करने में और आखिरकार उसके बाद इसमें जो मामला दर्ज किया गया। कल जरूर स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कहीं ना कहीं जिस चोरी पर सीबीआई आगे चल रही थी उसको उस स्टिंग ऑपरेशन ने पुख्ता किया। उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर वरुण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि किन ठिकानों के ऊपर ये छापेमारी हो रही है, किन लोगों के खिलाफ ये छापेमारी हो रही है, क्या कुछ जानकारी उनकी पहचान को लेकर मिल पाई है? देखिए पहचान अभी ईडी की तरफ से साफ नहीं की गई है, लेकिन जो आबकारी नीति से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां हैं उनके गुरुग्राम से जो ऑफिस है और चंडीगढ़ में जो उनके ऑफिस है वहां पर छापेमारी चल रही है। मुंबई, हैदराबाद में जिन लोगों के नाम सीबीआई के एफआईआर में दर्ज थे उनके जो ऑफिस है उनसे रिलेटेड जो ये उनके जो ऑफिस और उनके जो घर है वहां पर ये छापेमारी चल रही है। हालांकि पर्टिकुलर जो नाम और उन एड्रेस को अभी तक ईडी की तरफ से साफ नहीं किया गया है, लेकिन करीब एक दर्जन जगहों पर जो एक दर्जन शहर है उसमें करीब 30 से ज्यादा ऐसी लोकेशन है जहां पर ये छापेमारी चल रही है। जी जी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप अरुण, आप लगातार नजर बनाए रखें इस पूरे मामले के ऊपर, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि कई इलाकों के अंदर 6 राज्यों के 30 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर इस समय ईडी की छापेमारी चल रही है। ये पूरा मामला दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर चल रही जांच से जुड़ा हुआ है। 6 राज्यों के अंदर ये छापेमारी चल रही है, जिसके अंदर मुंबई, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और तेलंगाना में हैदराबाद, इसके अलावा चंडीगढ़ के अंदर छापेमारी चल रही है, कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर भी छापेमारी चल रही है। तो ये तमाम छापेमारी दिल्ली, लखनऊ, गुरुग्राम, तमाम शहरों के अंदर 30 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर ये छापेमारी का सिलसिला ईडी का चल रहा है। इस वक्त भी ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और जिस
तरह से इस पूरे मामले पर पहले सीबीआई की जांच हुई और उसके बाद वो लीड्स ईडी को दिए गए। अब ईडी की ये छापेमारी हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की ये महत्वपूर्ण कार्रवाई है दिल्ली में आबकारी घोटाले से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ। इस खबर पर अभी हमारे साथ वरुण जैन लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, जिस तरीके से 6 से ज्यादा राज्यों के अंदर छापेमारी चल रही है, क्या यह जानकारी मिल पा रही है कि यह दायरा और बड़ा हो सकता है? क्या कुछ और जगह भी छापेमारी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, जो छापेमारी है उसका दायरा लगातार बढ़ेगा। अगर आप सीबीआई की जो एफआईआर देखेंगे उसके अंदर जो समीर महेंद्रा है जो कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनकी कंपनी से 1 करोड़ रुपए थे, वो दिनेश अरोड़ा जो जिनका एफआईआर में नाम मेंशन है उनकी राधा इंडस्ट्रीज को मिला था। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि विजय नायर जो एक आरोपी है उनके जरिए जो समीर महेंद्र थे उन्होंने भी 2 से 4 करोड़ रुपए की जो बड़ी रकम है वो आगे अधिकारियों तक पहुंचाई थी। तो कहीं ना कहीं एक जो मनी की जो बड़ी ट्रेल थी वो सीबीआई की एफआईआर में मेंशन थी, और जब ईडी ने इस पड़ताल को आगे बढ़ाया तब पता चला कि जो ये जो ट्रेल है इसमें इसके जरिए एक जो बड़ी ब्लैक मनी है उसका खुलासा होता है। अगर आप एफआईआर को भी देखिए तो जो एनुअल लाइसेंस थे जो रिटेलर्स के थे रिटेलर्स को उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड नोट इशू कर दिया गया था और उसी के जरिए वही खातों के अंदर गलत एंट्रीज दिखाई जाती थी और वो जो गलत एंट्रीज दिखाकर पैसा था वो पब्लिक सर्वेंट तक पहुंचता था। यानी कि कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी है उसका इस्तेमाल हो रहा था और जो पैसा है काला धन है वो आगे जो एक्साइज पॉलिसी से जुड़े जो अधिकारी थे और जो आगे उन अधिकारी के ऊपर जो लोग थे वहां तक पैसा पहुंच रहा था। तो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन को बल मिला, कल के स्टिंग ऑपरेशन से भी कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा हुआ था कि किस तरीके से जो ये आबकारी नीति थी उसके जरिए जो ब्लैक मनी थी उसका इस्तेमाल हो रहा था और आगे अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा था। उसके बाद ही ईडी ने अब ये एक्शन लिया है। हालांकि देखिए, ईडी की तरफ से सूत्रों ने साफ किया कि अभी मनीष सिसोदिया के जो आवास है वहां पर किसी तरह की छापेमारी नहीं हो रही है, लेकिन करीब आप देखेंगे आधा दर्जन शहर है देश के जहां पर 30 से ज्यादा लोकेशन है, और ये सभी लोकेशन में आपको बता दूं जो आरोपी है विजय नायर, मनोज राय, अमरदीप धल, चाहे समीर महेंद्र हो, अर्जुन पांडे हो और इनकी जो कंपनी है उनसे जुड़े जो ये ठिकाने हैं वहां पर ये ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है। अभी कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि किन किन के दफ्तर पर घर पर किन ये जो छापेमारी चल रही है, लेकिन ईडी ने अब अपनी कार्रवाई करते हुए आज एक बड़ी छापेमारी करी है और 30 से ज्यादा लोकेशन को आइडेंटिफाई किया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वरुण आपका। निश्चित रूप से इस जांच की तस्वीर थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगी, पता चल जाएगा कि किन किन लोगों के खिलाफ छापेमारी की ये कवायद की गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।